हरदा बाईपास रोड पंखे के पास से अवैध रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली अंधी रफ्तार से दौड़ती नजर आ रही है। हालांकि रेत की खदानें अभी बंद है, फिर भी अवैध तरीके से रेत का परिवहन हो रहा है। अवैध रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली की स्पीड बहुत तेज होती है और इस अंधी रफ्तार से दौड़ रही रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से खेड़ला ग्रामवासी और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं भी परेशान हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। तो अवैध हो रहा है, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर रेत की खदानें फिलहाल बंद। नर्मदापुरम शहर के आसपास जो ट्रैक्टर के अवैध परिवहन की शिकायतें प्राप्त होती है, हमारे द्वारा नियमित जांच की जाती है और कार्रवाई की जाती है। अब पर्टिकुलर बरंडुआ गांव का जैसे आपने बताया, वहां पे सघन जांच किया जाएगा और यदि कुछ अवैध पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर ट्रॉलों की स्पीड इतनी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे किस तरीके की यहाँ लोगों को समस्याएं होती है। और सुनने में और देखने में ये आ रहा है कि जो रोड यहाँ बनी हुई है वह रोड काफी कुछ क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है दादा आपका? सरवण मीना। मीना जी, यहाँ से लगातार भारी स्पीड में ट्रैक्टर ट्रालियां गुजरते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है? अरे इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे बच्चों को दिक्कत है, हमको भी दिक्कत है, धूल भी उड़ती है, गाँव पूरा परेशान है। मगर मिट्टी के डंपर भी चल रहे हैं, डंपर भी बंद नहीं होते, एक दो दिन बंद हो जाते हैं, इसके बाद बंद ही नहीं होते। डंपर और रेत से भरी हुई जो ट्रैक्टर ट्रालियां होती है उनको बंद कराने के लिए आपने कुछ प्रशासन से कुछ कहा है क्या? नहीं, अभी तक तो हमने कुछ नहीं कहा, वो आपसी में बात होती है बस। हाँ, उन्हीं से बात कर लेते, भैया धीरे चलाओ, इसके बाद अगर ज्यादा कुछ बोलते तो वो ये बोलते।